नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो फुटवेयर इंडस्ट्रीज में नंबर वन है। फुटवेयर इंडस्ट्रीज में नंबर वन मतलब आप तो नाम जान ही चुके होंगे कि मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा। तो कंपनी फुटवेयर इंडस्ट्री से नंबर वन हमेशा नहीं रहता है, क्योंकि नंबर वन नंबर टू इसी रेंज में हमेशा चलते रहते हैं। क्योंकि दो कंपनी मार्केट में लीडर बन के बैठे हुए हैं, वो है रिलैक्सो और एक है बाटा इंडिया। तो बाटा कभी नंबर वन होता है, कभी रिलैक्सो नंबर वन होते हैं। इस तरीके से डेटा चेंजिंग होते रहते हैं, क्योंकि रिलैक्सो का मार्केट कैप है 22,000 करोड़ का और बाटा का मार्केट कैप है 20,000 करोड़ का। मैं आपको फ्रिक्शन नहीं बताया, सिर्फ आपको टोटल फिगर आपको बता चुका हूँ। तो इसका दोनों में अंतर उतना ज़्यादा नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों कंपनी अभी बेस्ट लेवल में है और एक सस्ते दामों में दोनों कंपनी का प्राइस आपको मिल रहा है। तो आज मैं बात करूंगा रिलैक्सो के बारे में, क्योंकि इस कंपनी नंबर वन है। उसके साथ साथ इस कंपनी में बहुत ज़्यादा खासियत भी है, जिसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कंपनीज के डिटेल्स के बारे में। आप रिलैक्सो के कोई भी यूज़ आप मतलब कोई भी शूज़ आप यूज़ करे होंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि देखिए इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है शायद आपने यूज़ करे होंगे मगर आपको पता नहीं था वो रिलैक्सो का शूज़ है। जैसे देखिए इसका स्पार्क जो सबसे ज़्यादा बेचने वाला प्रोडक्ट है, उसके साथ इसका देखिए रिलैक्सो का जो फुटवेयर होता है, इस तरीके से चप्पल बहुत बार आपने शायद खरीद के रखे थे, मतलब खरीद के पहनते हैं, तो आपको पता नहीं है कि ये रिलैक्सो का ही ब्रांड है। सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाला और एक प्रोडक्ट है, वो है फ्लाइट। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बेचा जाता है और वो भी इस रिलैक्सो का ही ब्रांड है। देखिए आप कहेंगे सर कंपनी का ब्रांड तो अच्छा है, लोग तो खरीदारी भी कर रहे हैं, तो फिर भी स्टॉक में इतना गिरावट क्यों है? क्योंकि जब मार्केट पुल डाउन में है तब भी स्टॉक में गिरावट क्यों है? देखिए इस तरीके से कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जो ब्रांड है, वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मार्केट के ऊपर बिजनेस करते रहते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ग्लोबली जो मार्केट है, आज इंडियन मार्केट पॉजिटिव है, मानता हूँ अच्छा खासा रैली में है। इस खराब सिचुएशन में ग्लोबली जो मार्केट है उस हिसाब से कंपेरिजन करूँ तो इंडिया मार्केट आज बेस्ट लेवल में है। तो उस टाइम में भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है, इसके पीछे एक ही कारण है, वो है ग्लोबली इम्पैक्ट। देखिए मार्केट में कब स्लो डाउन आएगा, आपको दो चीज अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसको बहुत बार फॉलो कर चुका हूँ। बड़े एक निवेशक, बड़े एक मतलब निवेशक भी इस चीज को बहुत बार बोल चुके हैं इंटरव्यू के माध्यम से। अब तब दिखेंगे जब मार्केट में स्लो डाउन आएगा, जब कोई भी मेंस का अंडरवेयर आपको सुनने में शायद उल्टा लगे, अंडरवेयर जो होते हैं तो वो अगर बेचना कम हो गया मार्केट में, उसका सेलिंग कम हो गया, तो सोचना मार्केट में एक भारी भरकम गिरावट आने वाले हैं। अगर फूडवेयर इंडस्ट्रीज में फूडवेयर का बिजनेस भी धीरे धीरे डाउन में हो रहा है तो सोचना एक मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसका लॉजिक क्या है, देखिए जब लोगों के हाथ में पैसा होता है लोग नए नए जूते नए नए कपड़े तो इस तरीके से खरीदते रहते हैं। तो देखिए कपड़े तो खरीदारी कर लेंगे, जूते भी शायद खरीदारी कर लेंगे, मगर अंडरवेयर तभी लोग खरीदते हैं जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट का एक साइकोलॉजी है, तो उस साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो उस तरीके से कंपनी अगर गिरावट में हुआ तो सोचना स्टॉक में भी अच्छा खासा भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से एक कंपनी भी कोई छोटा मोटा कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा और अभी आपको सस्ते दामों मिला है उसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो कंपनी के कुछ खासियत के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए इंडियन बेसिस कंपनी है और इंडियन मल्टीनेशनल फूडवेयर कंपनी है। सिर्फ कंपनी इंडिया में बिजनेस नहीं करते हैं, बाहर की कंट्री में भी बिजनेस करते हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट टोटली फूडवेयर के ऊपर है। तो ग्लोबली देखिए ग्लोबली मार्केट में भी कंपनी बिजनेस करते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं। कंपनी का टोटल जो ब्रांड है 10 ब्रांड है, उनसे इंक्लूडिंग है फ्लाइट, यहाँ पे देखिए स्पार्क, यहाँ पे देखिए बहामस एंड यहाँ पे देखिए स्कूलमेट। तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो बेचते रहते हैं। इस कंपनी का खासियत मैं आपको बता चुका हूँ, अभी इस कंपनी का फंडामेंटली एंड फाइनेंशियल डिटेल्स भी आपको बता देता हूँ। तो
आप ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा कौन सा लेवल से इस कंपनी फिर से रीबैक कर सकता है और कौन सा लेवल तक वो टच करके वापस आ सकता है। तो सबसे पहले देखिए, कंपटीटर के बारे में बात करूं तो नंबर वन कौन है? रिलैक्सो। उसके बाद कौन है? बाटा इंडिया। आप देखेंगे दोनों में अंतर बहुत दूर नहीं है, क्योंकि रिलैक्सो का मार्केट कैप 22,000 करोड़ है, बाटा का मार्केट कैप 20,000 करोड़ है। तो आप कहेंगे सर बाकी जो कंपनी है क्या उसको ओवरटेक नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, अगर कंपनी में दम है तो इस दोनों कंपनी को पीछे छोड़कर नंबर वन भी हो सकते हैं। तो इस दोनों कंपनी में खासियत क्या है? मैं रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ तो दोनों में है रिलैक्सो का अच्छा खासा लेवल देखने को मिला। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो रिलैक्सो का डेप्थ बाटा से बहुत कम है, एकदम नाके बराबर है। मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से बाटा से रिलैक्सो का वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 7.5, चलो 8 रुपीज के आसपास यहाँ पे पेमेंट करना पड़ रहा है। ये मुझे वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ज्यादा लगा, और कंपनी का पी रेशियो भी बहुत हाई है, इसी कारण के बेसिस में स्टॉक में इतना सारा गिरावट देखने को मिल रहा है। देखिए, जब कोई भी कंपनी का पी रेशियो हाई लेवल में हो जाता है, तब उस तरीके से कंपनी में एक चीज आप जरूर सोच लेना, उस तरीके से कंपनी में आपको हमेशा अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल ही जाता है। तो कंपनी के खासियत के बारे में डिस्कस करूं तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। ये सारी चीज आपको यही देखना है कि कंपनी इस खराब सिचुएशन में जब स्टॉक में गिरावट हो रहा है, क्या उस कंपनी का फाइनेंशियल में कुछ इम्पेक्ट है, क्या उस कंपनी का बिजनेस ग्लोबली मार्केट के ऊपर इम्पेक्ट है। अगर ग्लोबली मार्केट के ऊपर इम्पेक्ट है तो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करिए, क्योंकि वो आज नहीं तो कल वो फिर से खड़ा हो जाएगा। अगर खुद का कंपनी के इंटरनली कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है, तो उस कंपनी से पहले से आप निकल जाइए। तो देखिए, कंपनी ने अच्छा खासा आपको रिटर्न दिया सर, 1 साल में अच्छा खासा गिरावट दिया, मगर बाकी सालों में देखेंगे तो 10%, सॉरी 10 साल में 36%, 5 साल में 21% और 3 साल में 13% के आसपास रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा रेंज में आपको देखने को मिला है। कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी कैश फ्लो को कंटिन्यूअसली मेंटेन करता है, ये सबसे बड़ी खासियत है कंपनीज का, कंटिन्यूअसली कंपनी कैश फ्लो को भी मेंटेन किया। तो इस कंपनी के इन्वेस्टर के बारे मतलब इन्वेंटरी के बारे में बात करूँ तो सॉरी इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास ही देखिए 70% का होल्डिंग है, उसके बाद FIS और DS के पास छोटा मोटा होल्डिंग है, पब्लिक के पास 18% से भी ज्यादा होल्डिंग देखने को मिला। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, चलो वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए, चार्ट पैटर्न आपको बहुत शानदार रैली दिखेगा, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ 2011 से स्टार्ट हुआ, तब इसका एडजस्टमेंट प्राइस कितना था? 14 रुपीज के आसपास। आप कहेंगे सर 14 रुपीज से क्या स्टार्ट हुआ था? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कंपनी का एडजस्टमेंट प्राइस है, इसका मतलब कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से बोनस भी दिया, स्प्लिट भी किया। ये जो बोनस एंड स्प्लिट दिया, इसी के कारण कंपनी का प्राइस एडजस्टमेंट हो गया। तो वहां से लेकर देखिए, वहां से लेकर आज तक का कंपनी का जो हाई था करीबन 1400 रुपीज के आसपास। तो सोचिए, 14 से 1400 रुपीज के आसपास ये जो जर्नी, कितना बड़ा जर्नी है, और वो भी 10 से 12 साल के आसपास। तो सोचिए, 10 से 12 साल में मल्टी बेगर रिटर्न आपको दे चुके हैं। इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको लॉन्ग टर्म मिशन के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी 6,500% का रिटर्न दिया। अगर मैं एकदम डाउन लेवल से टॉप लेवल तक देखूं तो कंपनी करीबन 10,000% तक रिटर्न दे चुके थे। तो अभी जो लेवल रेंज है, चलो वो आपको बता देता हूँ। जो रेंज आपको ड्रॉ करके दिया वो करीबन करीबन यहाँ पर जो रेंज बना 820 रुपीज के आसपास। तो 820 रुपीज आप कहेंगे सर क्यों? देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान से इस चीज को देखना है, सीखना है। देखिए, यहाँ पे प्रीवियस एक डेटा है जो बता रहा है कि यहाँ पे एक बिग रेजिस्टेंस लिया था, जो पहले रेजिस्टेंस था, उल्टा साइड से आप देखेंगे जब उसको ब्रेक करके वापस आते हैं वही सपोर्ट बन जाता है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को यहाँ पे तोड़ा था, यहाँ पे मार्केट ने तोड़ा था, और उस तोड़ने के बाद एक अच्छा खासा रैली यहाँ पे आपको क्या किया देखने को मिला। तो उस हिसाब से बात करूं तो एक अच्छा खासा रैली यहाँ पे देखने को मिला, और रैली के बाद फिर से देखिए स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से इस रेंज के बाद ही, ब्रेकआउट होने के बाद आप में गया था, तो इस रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट रेंज बनेगा। तो इस रेंज के ऊपर आप फोकस रखना, उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं 20 डेज ईएमए
सॉरी 200 डेज ये में भी आसपास है। इसका मतलब इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा और इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। अगर दोनों लेवल को ब्रेक करते हैं, अगर उसके बाद सस्टेन करते हैं, तो सोचना एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकता है और 600 लेवल तक वो कंपनी आ सकते हैं। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न और भी बहुत कुछ सीखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहना और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। बहुत कुछ आपको वहाँ से भी मिलने वाला है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।